स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम। इन अ लाइब्रेरी देयर आर 294 बुक्स इन हिंदी, 468 इन इंग्लिश एंड 179 इन तमिल। हाउ मैनी बुक्स इन ऑल आर देयर इन द लाइब्रेरी? एक लाइब्रेरी में 294 बुक्स हिंदी की हैं, 468 बुक्स इंग्लिश की हैं, 179 बुक्स तमिल की हैं। तो इस लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। हिंदी, इंग्लिश एंड तमिल, ये तीनों लैंग्वेजेस हैं। तो लाइब्रेरी में इन लैंग्वेज की बुक यहाँ पर रखी हुई है। ये इन लैंग्वेज की अलग अलग बुक्स हैं यहाँ पे, जो कि नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यू हैव टू फाइंड दैट हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर देयर। आपको पता करना है कि टोटल कितनी बुक्स वहाँ पर इन लैंग्वेज की हैं। तो ये आपके वर्ड प्रॉब्लम है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में हम वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो इसमें दी रहती है। तो हिंदी की बुक्स हैं 294, तो हम लिखेंगे बुक्स इन हिंदी इज इक्वल टू 294 बुक्स इन इंग्लिश Now books in Tamil 179. Now the question is total number of books. Books in all. हम इसे ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स पता चल जाएगा। ये एडिशन है तो हमें इसे ऐड करना है। अब नॉर्मली होता यह है कि जब भी आप वन से ज़्यादा नंबर्स देखते हैं तो आप थोड़े से घबरा जाते हैं। ना घबराने की ज़रूरत है, ना डरने की ज़रूरत है। इट इज़ अ वेरी सिंपल एडिशन एज अदर एडिशन आर। ये वैसा ही एडिशन है जैसा कि आप बाकी सब करते हैं। फर्क इसमें बस इतना है कि नॉर्मली आप टू नंबर्स को ऐड करते हैं, यहाँ पर थ्री नंबर है। सो इट्स सो सिंपल। स्टार्टिंग हम वही वन स्पेस से करते हैं। वन स्पेस पर है आपका 489। तो 489 तीनों को आप ऐड कर लीजिए। 4 में आप 8 ऐड करेंगे, 12 आएगा। 12 में आप 9 ऐड करेंगे, 21 आएगा। 1 को आप 1 स्पेस पर लिखेंगे। 10s के 2 को आप 10 स्पेस पर कैरी कर देंगे। फिर से एडिशन अपना स्टार्ट कर देते हैं। 2 में 9 ऐड किया, 11। 11 में 6 ऐड किया, 17। 17 में 7 ऐड किया, 24। 4 हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 हमने फिर कैरी कर दिया। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9। तो ये आपका आ गया 941 बुक्स। आप आंसर लिख देंगे। देयर आर 941 books in all in the library। अगर आप यहां केवल books in the library लिखते हैं then it's also okay, there is no need to write this।
देर आर 941 बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, नॉर्मली ऐसे एडिशन में होता यह है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग यहाँ पर ऐड करके लिखते हैं और ये कैरी वाला ऐड करना भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट ये कैरी आप जरूर लिखिए, कैरी आप ऊपर लिखेंगे तभी आप इसको ऐड करेंगे। और स्पेशली मैं तो कहूँगा कि आप डायरेक्टली इसको बुक में करने के बजाय पहले अपना एक रफ साइड बनाइए और उस रफ साइड में करिए। अपने कॉपी के पेज के बीच से एक पार्ट कर लीजिए, लेफ्ट साइड में आप कंप्लीट सॉल्यूशन करिए और राइट साइड में आप उस रफ को पोर्शन कीजिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे बनाकर दिखा दे रहा हूँ, ये साइड में हमने एक कॉर्नर बना दिया रफ का। अब इस रफ में हम अपना ये एडिशन वाला वर्क कर देते हैं। फोर में हमें ऐड एट ऐड करना है, तो हमने फोर लाइन ड्रॉ किया। एट ऐड करना है तो हमने एट लाइन ड्रॉ किया। फिर नाइन ऐड करना है तो इसमें हम नाइन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इन सबको हम काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 आया 21। देखिए 21 का 1 हमने 1 स्पेस पर लिखा था और 2 हमने 10 स्पेस पर कैरी किया था। तो इसी तरीके से आप लाइन ड्रॉ करके कॉपी में ही साइड में रफ पोर्शन कर लीजिएगा और करके फिर इसको ऐड कर लीजिएगा। तो आप इस तरह करेंगे तो आपसे कोई नंबर छूटेगा नहीं और आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। आपकी बुक में इस तरीके से सेंटेंस नहीं दिए हैं, आपकी बुक में डायरेक्ट एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में आपको सिर्फ इतना एडिशन वाला पोर्शन करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना बता दिया, बाकी देयर इज नो नीड टू राइट दिस इन योर कॉपी और एनीथिंग एल्स, यू हैव टू जस्ट राइट द सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो एंड प्रैक्टिस ऑफ इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।